आज की इस वीडियो में मैंने अपने प्यारे से विलेज को छोड़ दिया और ढूंढने निकल गया एक नए विलेज को जहाँ पर हम अपना बेस बनाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखना कि हमें एक नया विलेज मिला या नहीं, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को लाइक कर दो ऐसी और वीडियो के लिए। तो गाइस, आज हमने अपने इस जो प्यारा सा हमारा विलेज है, इस विलेज को छोड़ के जाना है और एक नया विलेज ढूंढना है। तो लास्ट टाइम हमने माइनिंग की थी और डायमंड्स ढूंढे थे, हमने 4 डायमंड्स ढूंढे थे शायद। यहाँ पे मैंने एक और चेस्ट लगा दी, इसके ऊपर हमारा वैल्यूएबल सामान है। और गाइस देखो, 4 डायमंड मिले थे हमें लास्ट टाइम। तो आज हमने अपना ये जो हमारा प्यारा सा बहुत सुंदर घर नहीं है, इसको छोड़ के जाना है। तो मैंने कोई तैयारी नहीं की है, बस जो हमारा आयरन वगैरह तब लिया था वो मैंने स्मेल्ट किया है, बस यहाँ पे हमारा सामान है। तो अब हमने यहाँ से इस हमारे विलेज को छोड़ के जाना है। कितनी बार बोलूँगा यार मैं यही चीज़। तो एक डायरेक्शन देखेंगे और उस डायरेक्शन में चलते रहेंगे कि हमें कोई और विलेज मिले। तो पहले तो हम ना अपनी इन्वेंट्री को सेट कर लेते हैं, इसकी भी हम बना लेते हैं। यार मैंने गलती से फर्नेस बना दिया, मैंने वीट बनानी थी। चलो अब तो बन गया फर्नेस भी, ठीक है। और तो इस चेस्ट में हमारा गाइस वैल्यूएबल सामान में रैबिट फुट, रैबिट हाइड भी, ये देखो ये वाला तो हमें सारा सामान चाहिए ही चाहिए। देखो गाइस ये भी लेना है, एरोस भी रख लेंगे, बोन भी रख लेंगे, ये भी रख लेंगे, पिकैक्स भी रख लेंगे, ये भी रख लेंगे। और यहाँ से हम अपना क्राफ्टिंग टेबल, ये वाला, ये वाली चेस्ट, लेक्टन भी ले लेते हैं। और यहाँ पे जो ये बुक शेल्फ्स है ना गाइस, ये वाली बुक्स भी हमें काम आएंगी। वैसे भी इन विलेजर्स ने थोड़ा पढ़ना होता है, हम भी थोड़ी सी पढ़ाई कर लेंगे। अपने गाइस यहाँ पे रिस्पॉन पॉइंट सेट रखते हैं और एक काम करते हैं, ये वाला है जो है ये बेड हम ले लेते हैं। तो अब हमारे पास फूड है, और फूड की शायद हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नहीं तो हम रास्ते में जो चीज़ें मिलेंगी उनको मार लेंगे। दो मिनट, मुझे गाइस एक आइडिया आया, हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मेरे पास हाँ ये है, और एक काम करते हैं हम ना ये बना लेते हैं फ्लिंट एंड स्टील। अगर रास्ते में कोई मॉब मिलेगा तो उस मॉब को मार देंगे। तो गाइस बाय बाय विलेज, विलेज मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद नहीं आएगी क्योंकि ज़्यादा दिन मैं यहाँ पे रुका ही नहीं। तो इस साइड ही चलेंगे हम, तो इस साइड ही आगे बढ़ते रहते हैं। दो मिनट, डायमंड्स लिए हैं ना, हाँ ठीक है डायमंड्स लिए हैं, ठीक है। और फूड है क्या मेरे पास? नहीं और फूड नहीं है, बस यही है। यार कितना बोलता हूँ मैं। गाइज एक काम करते हैं, यहाँ पे ना हम अपना क्राफ्टिंग टेबल को ना हम यहाँ पे लगाते हैं, एक हम बकेट बनाते हैं, हम यहाँ से पानी भी ले लेते हैं। चलो आगे से पानी भी ले लेंगे, यहाँ से क्राफ्टिंग टेबल उठाते हैं और अब चलते हैं, हमारी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं इस साइड के लिए। ओ गाइस मुझे आगे ग्रास दिख रही है गाइस, प्लेन्स बायोम आगे, मैं अभी ज़्यादा दूर तो नहीं आया। वो देखो वो रहा वो वाला आइलैंड, ठीक है प्लेन्स वाली यहाँ पे बायोम आ गई, ठीक है गाइस मुझे प्लेन्स वाली जगह तो आ गई। ओ नीचे गाइस देखो कितनी बड़ी रवीन है यार, हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना, हमने अपने रास्ते में चलते रहना है, हम बस इस साइड सीधा सीधा चलते रहेंगे, शायद कभी हमें विलेज मिल जाए, किसी साल तो मिलेगा। 2000 years later. गाइस आगे जंगल बायम आ गई, ओ ओ ओ गाइस यहाँ पे जंगल बायम है। यार जंगल का सामान मुझे चाहिए। यार गाइस ये देखो कितना क्यूट पांडा भी है यहाँ पे, हेलो पांडा, हेलो गाइस, कितना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है गाइस मुझे वहाँ पे एक पैरेट भी दिख गया। दो मिनट, सीड्स हैं सीड्स हैं सीड्स हैं, यार क्या फेंको, दो मिनट ये फेंकते हैं, ठीक है सीड्स मिल गए। और गाइस यहाँ पे बेड भी लगा के सोना भी है हमने। पैरेट हेलो हेलो पैरेट, यार गाइस ये टेम नहीं हुआ। दो मिनट पहले सो लेते हैं, रात को कोई काम नहीं करना। सीड 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 सीड, ठीक है पैरेट हेलो, यहीं पे बैठ जा, वेरी गुड। अरे यार हिलना प्लीज़ हिलना,
यार गाइस ये कितना भूखा है यार, मैंने इतने ज़्यादा सीड्स दे दिए इसे फिर भी टेम नहीं हो रहा है। हो जा ना, कहाँ गया पैरेट पैरेट। ठीक है गाइस, पैरेट हमारा फ्रेंड बन गया, ये देखो हेलो पैरेट। ये भी गाइस अब हमारे साथ हमारी जर्नी में जाएगा, हेलो पैरेट। ओ गाइस इसने सीटी भी मारी, वाह वाह वाह। ठीक है यहाँ से हमने अपना बेड भी उठाना है, अब सीड्स की ज़रूरत नहीं है। ठीक है कॉबलस्टोन को फेंको क्योंकि मुझे यहाँ से ये चाहिए। ठीक है बैम्बू भी काम आएगा हमारे। तो बाय बाय पांडास, मैं अपनी जर्नी कंटिन्यू रखता हूँ और इस साइड चलते रहता हूँ। ये बायम बहुत ही डिफरेंट सी है गाइस, क्योंकि जंगल बायम में जंगल होता है और ये ओपन है, मतलब दूर दूर पेड़ लगे हैं। चलो कुछ नहीं होता, कोको बीन्स क्या गेरूँ मैं, एरोस जाएंगे और बोन्स भी, क्योंकि मुझे यार सैपलिंग भी चाहिए जंगल की। ठीक है गाइस हमें सैपलिंग भी मिल गई और आगे गाइस ओपन एरिया आ गए यार, यहाँ पे कोई विलेज भी मिल जाए प्लीज़। कितने सारे पैंडा हैं यार यहाँ पे, दो मिनट हमारा मिठू कहाँ है। ठीक है गाइस वो हमारे साथ है, आजा बैठ जा मेरे ऊपर आजा। ठीक है यार मुझे तो मेरा मन करा कि मैं यहीं पे अपना बेस बना लूं, लेकिन विलेजर्स लाने में भी मुश्किल होगी, तो इसलिए विलेज के थोड़ा सा बस यहीं पे आसपास कोई विलेज मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। दो मिनट यहाँ से वाटर भी ले लेते हैं। ठीक है वाटर भी आ गया। ओह नो गाइस बारिश शुरू हो गई, देखा गाइस आगे मुझे बहुत बड़े बड़े ट्रीज दिख रहे हैं। दो मिनट यहाँ पे बेड ला के पहले सोते हैं, सो नहीं सकते यार गाइस वो ट्री, ये है असली जंगल बायम गाइस। फिर डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी हमें, इस साइड। यार यहाँ पे गाइस जंगल ही जंगल है, मैं जंगल के अंदर नहीं जाना चाहता, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब हम उस साइड चलना शुरू कर देते हैं, मैं जंगल के अंदर नहीं जाना चाहता ऐसी गाइस। ये मुझे मतलब जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है, मेरा मन कर रहा है मैं यहीं पे अपना बेस बनाऊं, लेकिन विलेज मिल जाए तो वो भी अच्छा होगा। यार यहाँ पे भी गाइस मुझे लग रहा है जंगल पार करना पड़ेगा हमें। गाइस मुझे वहाँ पे जो दिख रहा है वो मुझे दिख रहा है, जो आपको भी दिख रहा है क्या गाइस वो देखो। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? क्या कहते हैं इसे, एजेलिया एजेलिया पता नहीं कुछ ऐसा ही कहते हैं गाइस। अब मैंने फाइनल कर लिया, मैं यहीं पे बेस बनाऊंगा। हम शायद इस साइड से आए थे, एक बारी चेक कर लेते हैं। गाइस आगे वहाँ पे एक बहुत बड़ा माउंटेन भी आ गया, यार मुझे याद नहीं आ रहा मैं कौन सी साइड से आया था, मैं इसी साइड से आया था शायद। चेक करते हैं अगर मैं इस साइड जाऊं, यहाँ पे ही डेजर्ट है शायद गाइस, मैं इसी साइड से आया था, मुझे कोऑर्डिनेट्स अभी याद नहीं है। गाइस मुझे शायद एक नया विलेज मिल गया, दो मिनट मैं गाइस ये नया विलेज है, मुझे गाइस लग रहा है कि मुझे नया विलेज मिल गया। नो वे, यस गाइस नया विलेज मिल गया। आप सोच रहे होंगे कि ये डेजर्ट विलेज है और मैं खुश क्यों हो रहा हूँ, क्योंकि गाइस वहाँ पे ही आगे जंगल है जहाँ पे मेरा मतलब मन कर रहा है अपना बेस बनाने का, और अगर विलेजर्स लेके भी जाने होंगे तो यहाँ से बहुत पास में है, तो ठीक है। गाइस हमें एक नया विलेज मिल गया है यार, यहाँ पे चेस्ट भी होगी, चेस्ट ठीक है। बुक दे दे, और कुछ नहीं चाहिए, और एक चीज़ करके दिखाऊँ गाइस, देखा गाइस हम इस विलेज को लूट लेते हैं। ओ गाइस यहाँ पे लावा पूल भी है, यहाँ से बचकर रहते हैं हम। ओ ऐसे ही घर में मैं भी रुका था यार, यहाँ पे बस गाइस शायद एक ही चेस्ट थी जो इस टावर के अंदर थी, वहाँ पे भी एक टावर है। ओ गाइस ये विलेज तो सच में बड़ा है यार, लेकिन इसकी एंट्रेंस कहाँ पे है भाई। ओ हेलो इसकी एंट्रेंस, ओ वाह गाइस मैंने एक, ओ हेलो गाइस मैंने एक विलेजर को आज़ाद कर दिया, देखो गाइस सोशल वर्क।
मैंने एक दबे हुए ब्लेजर को आजाद कर दिया। मुंह पर ऊपर ऊपर यहाँ पे भी चेस्ट होगी, ये रही, ये आई ना थोड़ी बढ़िया चीज। अब तो कैक्टस को यहाँ पे रखते हैं, हम एमरल्ड्स ले लेते हैं। तो अब हमने ये वाले हाउस देखने हैं। देखा गाइस ब्रो, ठीक है एक चेस्ट मिली है, ब्रेड है ये भी ले लेते हैं। हमें फाइनली गाइस एक विलेज मिल चुका है, जो मुझे तो गाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि ये वाला विलेज वहाँ पे पीछे जो जंगल है ना उसके बहुत ही ज़्यादा पास है, और मैंने तो अपना घर जंगल में ही बनाना है, तो वहाँ पे जो जंगल है उस जंगल में हम अपना घर बनाएंगे। और अभी रात हो रही है तो जल्दी हमने सोना भी है। Tomorrow. तो अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो यार। आप सब्सक्राइब करते हो और अनसब्सक्राइब भी कर देते हो, तो अनसब्सक्राइब मत करा करो यार, क्योंकि बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो।